हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसेस ऑफ होम। मैं हूं निशा और फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट इडली केक, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। जी हाँ, हम इसको बनाएंगे माइक्रोवेव में, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे स्टीम भी कर सकते हैं गैस पर। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इतना सॉफ्ट स्पॉन्जी और टेस्टी इडली केक कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम लेंगे 2 ओरियो के पैकेट, ये 100 ग्राम्स ईच है, तो 2 पैकेट मैंने ले लिए हैं और अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आज हम इस केक को बनाने के लिए किसी भी तरह के मैदा या आटे का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम बनाएंगे इसे ओरियो बिस्किट से। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, हमें ये जो क्रीम है इसकी, वनीला क्रीम बीच में ओरियो के, उसको सेपरेट कर लेना है इस तरह से, नाइफ से आप हटाते जाइए, अलग बोल में रखते जाइए। इससे हम इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम किसी क्रीम का यूज़ नहीं कर रहे हैं फ्रॉस्टिंग के लिए, फ्रॉस्टिंग भी हम बनाएंगे ओरियो की क्रीम से ही, तो आपको अलग से व्हिपिंग क्रीम की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, साथ ही में बिस्किट के इस क्रीम को भी आप पीस सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा ये। तो अब बिस्किट से क्रीम को मैंने सेपरेट कर लिया है और अब इन बिस्किट्स को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही हूँ, क्योंकि हमें इसका बनाना है एक फाइन पाउडर। तो मैं सारे बिस्किट्स को तोड़ लेती हूँ, ये देखिए तोड़ लिया मैंने इस तरह से, और अब इसका एक मिक्सी में फाइन पाउडर बना लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है और एकदम फाइन पाउडर बना लिया है, बिल्कुल बारीक पीस चुका है देखिए आप। और अब हमें बनाना है इडली केक का बैटर। तो मैं यहाँ फ्रेंड्स ले रही हूँ 1/2 कप दूध, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, उबला हुआ दूध है पहले से। तो इसे अब हम थोड़ा थोड़ा करके इस बिस्किट के पाउडर में मिक्स करते जाएंगे, एक साथ पूरा दूध ना डालें वरना लम्स हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा दूध करके डालें, इससे कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट बनती है। तो मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स मैं आपके साथ ऐसी ही इजी और टेस्टी रेसिपी शेयर करती रहती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैंने 1/2 कप पूरा दूध इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब हल्के हाथों से इसको हम मिक्स कर लेंगे, एकदम बैटर की कंसिस्टेंसी स्मूथ होनी चाहिए, ये देखिए इस तरह से। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये रिबन कंसिस्टेंसी का बना है, जब आप इसको इस तरह से गिराएंगे तो एक रिबन की तरह गिर रहा है ये देखिए। तो केक का बैटर रेडी हो चुका है, अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, सिर्फ 1/4 टीस्पून डालेंगे 200 ग्राम बिस्किट के लिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना डालें। और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे और आप याद रखें इसमें बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना है, क्योंकि आज हम ये चॉकलेट इडली केक बना रहे हैं बिस्किट से। तो बस बैटर रेडी हो चुका है, तो चलिए हम इसकी चॉकलेट इडली बनाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि चॉकलेट इडली केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम इस इडली केक को बना रहे हैं माइक्रोवेव में, तो मैंने यहाँ माइक्रोवेव सेफ इडली मोड्स ले लिए हैं, उसको हल्का सा ऑयल लगाकर हम ग्रीस कर लेंगे। फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं इस केक को माइक्रोवेव में, लेकिन आप चाहें तो इसे नॉर्मल स्टीम करके भी बना सकते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल स्टीम इडली बनाते हैं इसी तरह से बना सकते हैं इसको, तब भी ये उतना ही परफेक्ट और टेस्टी बनता है। तो अब हम इस मोड में थोड़ा थोड़ा सा बैटर डाल देंगे, पूरा ऊपर तक ना फिल करें, क्योंकि ये जब स्टीम होंगी तो थोड़ी और फूल जाएंगी, इसलिए ऊपर तक बिल्कुल भी इसको ना भरें। तो देखिए एक मैंने मोड को भर दिया है, अब दूसरा लगा रही हूँ मैं इसके ऊपर, और इसके अंदर भी मैंने ये बैटर भर दिया है, इसे भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था, और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है माइक्रोवेव में जाने के लिए। तो बस अब इसको हम कवर कर देंगे, जो इसके साथ कैप आती है, जो ढक्कन आता है इसका, उसके साथ मैंने इसको कवर कर दिया है, और अब बस इसे माइक्रोवेव में स्टीम करेंगे हम। तो मैंने इस मोल्ड को रख दिया है माइक्रोवेव के अंदर और अब 2 मिनट्स का हम टाइमर इसके अंदर सेट कर देते हैं, और बस अब वेट करते हैं सिर्फ 2 मिनट का। 2 मिनट में हमारी सॉफ्ट स्पॉन्जी चॉकलेट इडली केक बन के रेडी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुके हैं, चलिए इस मोल्ड को हम बाहर निकाल लेते हैं।
ढक्कन हटा देते हैं स्टीमर का, और ये देखिए कितने अच्छे से ये फूले हैं हमारे चॉकलेट इडली के। ये देखिए कितने चॉकलेटी और टेस्टी लग रहे हैं देखने में। तो अब मैं आपको इसे चेक करके दिखाती हूँ। वैसे प्रॉपर स्टीम हो चुके हैं, देखिए आप बीच में एक नाइफ या टूथपिक डालिए। ये देखिए एकदम क्लीन नाइफ आया, इट मींस अच्छे से ये स्टीम हो चुके हैं, केक्स अच्छे से बन चुके हैं। अभी इन्हें ठंडा होने के लिए रख दीजिए साइड में। और अब जो हमने ओरियो की क्रीम सेपरेट की थी उसको इस तरह से स्पून से थोड़ा सा मैश कर लीजिए। इससे हम बनाएंगे इसे गार्निश करने के लिए एक ग्लेज, या फिर आप इसकी फ्रॉस्टिंग भी इसे कह सकते हैं। थोड़ा सा इसे ऐसे ही स्मूथ करने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच दूध। सिर्फ 2 छोटे चम्मच दूध डालना है हमें इसके अंदर, और आप देखना कितनी अच्छी क्रीम की तरह इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी हो जाएगी। अब हम इसे मिक्स करेंगे दूध के साथ, अच्छे से हमें इसे फेंटना है जिससे कि ये अच्छे से फ्लफी और स्मूथ हो जाएगी। तो मैं इसको हल्के हाथों से फेंट रही हूँ, ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए। और अब ले रहे हैं एक पाइपिंग बैग, और मैंने इसके आगे एक कट लगा लिया है, और अब इसके अंदर मैं इसको फिल कर दूंगी। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप कोई भी दूध की थैली ले सकते हैं, या फिर जैसे मेहंदी के लिए कोन बनाते हैं ना, उसी तरह से आप ये पाइपिंग बैग भी रेडी कर सकते हैं। तो मैंने इस क्रीम को इस पाइपिंग बैग के अंदर भर लिया है, और इसको मैं एक रबर बैंड से सिक्योर कर दूंगी। ये देखिए कट इसके अंदर मैंने ऑलरेडी लगा लिया है, इसे रख देंगे साइड में। और चलिए अब हम रिमूव कर लेते हैं मोल्ड से हमारे इडली केक्स। ये देखिए कितने आसानी से निकल जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितनी आसानी से हमने ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी मिनी केक्स या फिर इडली केक्स सिर्फ 2 मिनट में बना के हमने रेडी कर लिए हैं। तो मैंने सारे इडली केक्स निकाल लिए हैं मोल्ड से, और अब हम इसे गार्निश करेंगे। तो कोन के अंदर जो हमने ओरियो की क्रीम भरी थी उससे हम इसे गार्निश कर रहे हैं। देखिए इस तरह से आप अपनी पसंद का किसी भी तरह का डिज़ाइन इस क्रीम से इस इडली केक के ऊपर बना सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने जो पाइपिंग बैग में कट लगाया था वो मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा कट और लगाया है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा कट लगाया है मैंने इस पाइपिंग बैग पे, और फिर मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। तो सारे इडली केक्स को मैंने गार्निश कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को बस ज़रूर बनाएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये चॉकलेट इडली केक्स की रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से इसका टेक्सचर कैसा है। ये देखिए कितना जालीदार और स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है ये। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाएगा। मिलते हैं ऐसे ही ईजी और टेस्टी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।